हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 7 सी प्लस प्लस इन हिंदी, और इसमें हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स। ओके, तो दोस्तों जैसे सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर आते हैं, वैसे ही ऑपरेटर सी प्लस प्लस के अंदर भी आते हैं, और उसके अलावा भी 3-4 ऐसे ऑपरेटर हैं जो सी लैंग्वेज में नहीं आते हैं, तो वो हम अगले लेसन में सिखाएंगे आपको। ओके, तो इस लेसन में जो कॉमन ऑपरेटर है सी और सी प्लस प्लस के अंदर, वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स। तो देखिए, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो दोस्तों ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर इज ए सिंबल एंड दैट परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ऑपरेटर एक सिंबल होता है और जो एक टास्क परफॉर्म करता है। सिंबल यानी कि ये प्लस का सिंबल, माइनस, ये डिवीजन का सिंबल है। तो ऐसे सिंबल होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, और वो सिंबल और उसका एक स्पेसिफिक काम होता है। फॉर एग्जांपल प्लस सिंबल, तो ये प्लस एडिशन करता है, ये माइनस सिंबल तो ये क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है दो नंबर का। ओके, ये डिवीजन सिंबल है तो ये डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, डिवीजन, मोडिलो एंड स्टार ऑपरेटर जो मल्टीप्लिकेशन करता है, प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस माइनस ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ओके, तो ये सारे ऑपरेटर सी और सी प्लस प्लस दोनों में आते हैं। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, अब देखते हैं दूसरा ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ये सभी ऑपरेटर के एक एक एग्जाम्पल मैं इस लेसन के अंदर दूंगा लास्ट में। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स रिलेशन चेक करता है। ओके, कंपैरिजन करता है दो वैल्यू की। फॉर एग्जांपल ये जो ऑपरेटर है ये लेस देन ऑपरेटर, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से कम है या ज़्यादा है। ओके, तो ये चेक करता है ये ऑपरेटर। तो इस तरीके से सभी ऑपरेटर, ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर, ये क्या चेक करेगा कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। ओके, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, तो ये सभी ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। और इसका आप यूज़ कर सकते हो इफ़, एल्स या फॉर लूप में, व्हाइल लूप में, कंडीशन रखने के लिए यूज होते हैं ये ऑपरेटर्स। अब देखते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर ही है। ओके, देखिए इक्वल टू ऑपरेटर, देन प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मोडिलो इक्वल टू, तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। ओके, प्लस इक्वल टू तो ये एडिशन का शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, माइनस इक्वल टू तो ये माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन का शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। ओके, तो ये सभी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर के। ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, ये सभी ऑपरेटर जो है वो कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए यूज होते हैं, और ये सभी लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। ओके, देखिए ये एंड ऑपरेटर क्या करता है कि दो कंडीशन राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की दोनों ट्रू होगी तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लॉजिकल और क्या करेगा कि लेफ्ट एंड राइट साइड दो कंडीशन होगी, दोनों में से एक भी कंडीशन यदि फॉल्स होगी तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, और ये नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा, इस तरीके से रिवर्स करता है कंडीशन को। ओके, कॉमा ऑपरेटर, तो कॉमा ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, ये देखिए हम एरे वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कॉमा रखते हैं इस तरीके से। फिर ये दूसरा एग्जांपल दिया है कि यदि हमें दो फंक्शन कॉल करने हैं यहाँ से, ओके, तो यहाँ पर बीच में कॉमा रखते हैं, तो इस तरीके से कॉमा ऑपरेटर जो है वो सेपरेटर की तरह काम करता है। ओके, ये जो वैल्यू है एरे की ये वैल्यू सेपरेट करता है कॉमा। ओके, इधर देखिए ये एग्जांपल, इंटीजर ए इक्वल टू 10, कॉमा बी इक्वल टू 30,
तो ये दोनों वेरिएबल को सेपरेट करता है कोमा ऑपरेटर। ओके, तो ये कोमा जो है उसे भी ऑपरेटर बोला जाता है, कोमा ऑपरेटर वैल्यू को सेपरेट करता है। ओके, और ये इसका एग्जांपल है 5,3,1,0, तो उसमें कुछ देखना नहीं है हमें। बीट वाइज ऑपरेटर, तो ये सभी बीट वाइज ऑपरेटर है। ओके, बीट वाइज एंड और, ये एक्सक्लूसिव और है ऑपरेटर। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बीट वाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट राइट ऑपरेटर। ओके, तो ये बीट वाइज ऑपरेटर सभी बीट वैल्यू पर काम करते हैं, जैसे हमने सी लैंग्वेज में देखा था। ओके, बीट वैल्यू यानी कि जो भी हम वैल्यू देंगे वो इंटीजर के फॉर्म में या फ्लोट के फॉर्म में होगी, तो उस वैल्यू को पहले बीट में कन्वर्ट करेगा ये। ओके, बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट होगा वैल्यू, और फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। ओके, तो आगे चल के इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे अगले कुछ लेसन के बाद। ओके, और ये है टर्नरी ऑपरेटर, जो हमने सी लैंग्वेज में देखा था। ओके, देखिए टर्नरी ऑपरेटर उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं डायरेक्ट। ये देखिए टर्नरी ऑपरेटर में तीन चीज़ें आएगी, कंडीशन, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन आएगी ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, इस तरीके से एक कंडीशन होती है। ओके, फिर प्रिंट एफ एंड हेलो, ये एक स्टेटमेंट है, तो यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट रन होगा, तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। देखिए इसका सिंटेक्स, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कॉलन, लास्ट में सेमी कॉलन है। ओके, यहाँ पर कंडीशन यदि ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन होगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट रन होगा। तो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर तीन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दी जाती है, कंडीशन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, तो तीन आर्ग्यूमेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ओके, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें दो ऑपरेटर होते हैं, तो उसको हम बाइनरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, प्लस को, माइनस को। ओके, तो ये है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, कंडीशन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, कंडीशन ट्रू तो स्टेटमेंट वन रन होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट टू रन होगा। ओके ओके, तो इतने ऑपरेटर जो सी लैंग्वेज के अंदर भी आते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर भी आते हैं। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवीजन, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशन चेक करने के लिए यूज होते हैं, और ये है सब अरिथमेटिक ऑपरेटर के शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। ओके, शॉर्टकट्स, ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स, कॉमा ऑपरेटर जो कि कॉमा से वैल्यू सेपरेट करता है। ओके, और बिट वाइज ऑपरेटर बाइनरी वैल्यू के साथ काम करता है, टर्नरी ऑपरेटर जिसके अंदर ये होता है कंडीशन, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन वन रन होगा, अदरवाइज टू रन होगा। ओके, तो ये है हमारा आज का लेसन, और चलिए हम सभी के एक एक एग्जांपल देकर आपको अब समझाएंगे कि कैसे ऑपरेटर जो है वो काम करेंगे। ओके, एक ही एग्जांपल देंगे क्योंकि एक ऑपरेटर का, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर भी आता है तो ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, सबसे पहले हैज़ इंक्लूड सी ओ एन आई ओ डॉट एच, देन हैज़ इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच, आई ओ स्ट्रीम इसलिए क्योंकि हमें सी इन या फिर सी आउट यूज़ करना हो तो आयो स्ट्रीम चाहिए। ओके, वर्ड मैन, और ये गेट सी एच, और यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगा अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो इसका एग्जांपल एकदम सिंपल है, ये देखिए एन वन इक्वल टू फाइव, ओके, एंड एन टू इक्वल टू थ्री लूँगा मैं। ओके, देन सी आउट, यदि हमें एडिशन करना है तो यहाँ पर लिखना होगा एन वन प्लस एन टू, तो ये प्लस ऑपरेटर जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ओके, ये दोनों का एडिशन परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, ये देखिए एट आंसर आता है। ओके, तो ये एडिशन परफॉर्म करता है,
यहाँ पर स्लैश एन नंबर ऑफ ओके एडिशन 8। अब यहाँ पर आप प्लस की जगह पर माइनस भी लिख सकते हो या फिर मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो ओके तो देखिए मल्टीप्लिकेशन 5 × 3 = 15 आ गया आंसर ओके तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो प्लस माइनस डिवीजन ये सब करके ओके और दूसरा ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम लॉजिकल सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर ओके ये देखिए n1 इज ग्रेटर देन n2 ओके तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन रखी है तो ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर ओके यदि n1 की वैल्यू n2 से बड़ी है तो सी आउट और आउटपुट में हमें लाना है कि n1 इज ग्रेटर देन n2 ओके ये है हमारा अरिथमेटिक और ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर ओके ये देखिए आउटपुट क्या आता है n1 इज ग्रेटर देन n2 ओके तो इस तरीके से आप यहाँ पर लेस देन भी कर सकते हो और नॉट इक्वल टू ओके यानी कि n1 और n2 की वैल्यू इक्वल नहीं है ओके तो ये आउटपुट आना चाहिए ओके सी आउट तो इस तरीके से आप कंडीशन रख सकते हो इफ n1 डबल इक्वल टू n2 यानी कि यदि n1 n2 की वैल्यू सेम है दोनों की वैल्यू ओके तो आउटपुट आएगा ये n1 इज ग्रेटर देन n2 ओके ये देखिए तो इफ स्टेटमेंट के अंदर आप कंडीशन रखने के लिए ये कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो ओके और लॉजिकल ऑपरेटर देखिए ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ओके n1 इज ग्रेटर देन n3 तो यहाँ पर n3 वेरिएबल लूँगा मैं n3 इक्वल टू 10 ओके तो एक साथ दो कंडीशन आपको चेक करनी है इस तरीके से n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन n3 तो दोनों कंडीशन यदि ट्रू होगी तो ही ये आंसर आएगा ओके n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n3 ओके ये देखिए तो n1 की वैल्यू 50 है n2 की वैल्यू 5 n3 की वैल्यू 10 है तो n1 की वैल्यू n2 से भी बड़ी है ओके यहाँ पर n2 से भी बड़ी है और n1 की वैल्यू n3 से भी बड़ी है तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी ओके तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है तो लॉजिकल एंड ये और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो या फिर नॉट ऑपरेटर भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से नॉट ओके यहाँ पर इस तरीके से नॉट क्या करेगा कि यदि ये कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा रिवर्स करेगा ओके तो इस तरीके से n1 लॉजिकल ऑपरेटर काम करेंगे। अब हम देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल टू और कंडीशन रखता हूँ मैं n1 इज ग्रेटर देन n2 ओके क्वेश्चन मार्क सिंबल यहाँ पर लिखता हूँ 3 ओके 1 लिखता हूँ मैं और यहाँ पर लिखता हूँ 0 तो क्या होगा कि n1 की वैल्यू n2 से बड़ी होगी तो क्या होगा 1 जो है वो a के अंदर आएगा और अदरवाइज 0 a के अंदर आएगा यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो a की वैल्यू 1 आएगी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो a की वैल्यू 0 आएगी ओके तो ये है टर्नरी ऑपरेटर। अब सी आउट करें यहाँ पर और a की वैल्यू डिस्प्ले करें ओके ये देखिए 1 आया आंसर ओके क्योंकि n1 इज ग्रेटर देन n2 है। अब मैं कंडीशन चेंज करता हूँ n1 इज लेस देन n2 तो n1 की वैल्यू n2 से छोटी नहीं है तो ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स तो a के अंदर 0 आंसर आएगा ओके तो ये देखिए 0 ओके तो इस तरीके से ये टर्नरी ऑपरेटर जो है वो काम करेगा। यहाँ पर आप सी आउट भी लिख सकते हैं सी आउट ओके और हेलो
और यहाँ पर लिखे आप सी आउट एंड वर्ल्ड। ओके, तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो सी आउट वाला, या सी इन सी आउट, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो इधर। ओके, देखिए वर्ल्ड आउटपुट आया, वर्ल्ड इसलिए क्योंकि ये कंडीशन रॉन्ग है। ओके, और यदि मैं यहाँ पर ग्रेटर देन लिखता हूँ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हेलो आउटपुट आएगा। ओके, तो इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर ये काम करेगा। तो ये सभी ऑपरेटर सी लैंग्वेज के अंदर भी आते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर भी आते हैं। ओके, इसलिए मैंने एक ही लेसन में ये सब कवर कर लिया। अगले कुछ लेसन में ऐसे ऑपरेटर आएंगे जो कॉमन नहीं है, जो सी प्लस प्लस के अंदर है पर सी लैंग्वेज में नहीं है, ऐसे ऑपरेटर देखेंगे। ओके, इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।